बेटा। जी सर। जी सर के बच्चे, तेरे खाने में तो छिपकली निकल गई। छिपकली? सर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कैसा हो सकता है, तेरे सामने छिपकली पड़ी है। अरे अगर हम में से कोई मर जाता और हम नहीं देख पाते तो बस हमारा तो खेल हो गया था। अब तो देख क्या करता हूँ मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट के खिलाफ, ताला लगवा दूंगा मैं इसमें बाहर, कोर्ट तक घसीट के ले जाऊंगा, कोर्ट तक तुम सबको। सर ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा स्टाफ तो वेल मेंटेन है और आज तक हमारे रेस्टोरेंट में ऐसे कुछ शिकायत ही नहीं आई। अच्छा तो हम पागल हैं, छिपकली तुझे दिखाई नहीं देती है? अभी हम में से कोई इसको खा जाता और मर जाता, तुझे पता है छिपकली में कितना जहर होता है? मैम सॉरी पर मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। मैं तेरे सॉरी बोलने से क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई मर जाता फिर? सुन उससे ना मैं कोई भी बात नहीं करनी, मैंने तेरे को ले गया। बताइए क्या हुआ, मैंने शोर शराबा सुना तो मैं खुद ही आ गया। देखिए आपके खाने में ये छिपकली निकली है, ऐसी सर्विस देते हो आप अपने कस्टमर्स को? अरे ये क्या है सब? नहीं नहीं वैसे ऐसे कोई शिकायत तो अभी तक आई नहीं हमारे पास, शायद कुछ गलती होगी योगी साहब से, मैं खुद जाके बात करूंगा। तुम्हारे बात करने से क्या हो जाएगा, अरे खाने में छिपकली है, छोटा मोटा केस नहीं है बेटा, ताले लगवा दूंगा इस रेस्टोरेंट पे, ताले। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, मैं ऐसा करता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री में आपको दूसरा खाना दे देता हूँ, इससे अच्छा। हमें तुम्हारे यहाँ का कोई भी खाना नहीं खाना, जब इसमें छिपकली क्या पता उसमें क्या क्या हो, हमें तुम्हारे यहाँ का कोई खाना नहीं खाना, चलो हम चलते हैं। और हाँ हम तुम्हारे रेस्टोरेंट का कोई भी बिल पे नहीं करेंगे। आपको तो पेमेंट करना ही होगा, हमारे रेस्टोरेंट के रूल है कुछ, फालतू में उसमें बिल फटेगा। मैं कॉम्प्लीमेंट्री में आपको दे तो रहा हूँ ना, मैं दूसरा इससे अच्छा खाना लेकर आता हूँ और आप बिल इसी का पे करना। तुम्हारे रेस्टोरेंट के ये रूल है कि लोगों को छिपकली वाला खाना खिलाओ? शर्म नहीं आती तुम्हें कहते हुए भी? चलो हम ना एक काम करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, तुम्हारा ना पुलिस कंप्लेंट करेंगे हम। एक सेकंड मैं ऐसा करता हूँ, एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेता हूँ, उसमें साफ साफ पता चल जाएगा कि मेरे किस शेफ ने ये गलती की है। अब गलती तो उधर शेफ ने की होगी तो यहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखने से क्या ही फायदा है? अरे नहीं 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 मैं भी तो आपको दिखाना चाहूंगा ना किस शेफ ने गलती की है मेरी, और मैं भी देखूंगा आपके सामने कि ऐसा किया किसने। आज छोटी सी गलती की वजह से खाने में छिपकली आई है, इससे आपकी जान भी जा सकती थी, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये तुम लोगों का पर्सनल मैटर है, हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना, चलो हम चलते हैं। रुकिए रुकिए बस 2 मिनट लगेंगे फुटेज चेक करने में। अच्छा तो गलती मेरे शेफ की नहीं है, ये जानबूझकर आपने किया है ताकि आपको बिल ना देना पड़े, जब तुम लोगों की औकात ही नहीं है तो यहाँ पर क्यों आ गए, और क्या करने जा रहे थे आप? हमने छिपकली डाल दी खाने में, अगर ये बात किसी और कस्टमर को पता चलती तो मेरा तो पूरा रेस्टोरेंट ही बंद हो जाता। ये क्या कर रहे थे और क्या बोला था मैडम आपने, पुलिस को बुलाओगे आप? पुलिस को मैं बुलाऊंगा। सर सर देखिए पुलिस को मत बुलाइए सर, हमारी इंसल्ट हो जाएगी सर, अभी हमारी उम्र भी नहीं है, अगर वो लोग हमें जेल में ले गए ना तो हमारे मम्मी पापा हमें छोड़ेंगे नहीं और हमारी पढ़ाई वगैरह भी बंद करा देंगे। सर सर प्लीज लास्ट बार माफ कर दीजिए, ना तो हम आपको कभी यहाँ देखेंगे और ना ये बदतमीजी करेंगे, प्लीज प्लीज माफ करिए ना। अच्छा तुम इतना बड़ा क्राइम करने जा रहे थे, तुम्हें पता है मेरे पापा ने ये रेस्टोरेंट बनाया था और कितने सालों से हमारा नाम था इस रेस्टोरेंट का, अगर ये झूठी खबर बाहर फैल जाती ना तो मेरे रेस्टोरेंट तो पूरा ही बंद हो जाता, बर्बाद हो जाता मैं, पर तुम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा, तुम्हें तो ये फ्री का खाना खाना था ना, तुमको तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। हम लोगों की कोई गलती नहीं है, इन भैया ने बोला था और हम तो इनको जानते भी नहीं है। हाँ। ये जबरदस्ती लेके आए। हाँ। हमें छोड़ दीजिए, इनको इनकी कंप्लेंट कर दीजिए सर। तुम ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, हाँ तुम सब रहे थे ना, और साफ साफ सुनाई भी दे रहा है उस कैमरे में कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे, मेरे यहाँ वॉइस वाले कैमरे लगे हुए हैं। हेलो सर पाठक रेस्टोरेंट में आ जाइए। जी सर बताइए सर क्या हुआ? सर ये है 4 लोग, इन्होंने क्या किया, खाने में नकली छिपकली डाल दी ताकि इनको पेमेंट ना देना पड़े। अच्छा मैं खिलाऊंगा इनको खाना फ्री का जेल में जाके। सर इतनी बड़ी भी गलती नहीं हो गई है, एक बार माफ कर दो, मासूम बच्चे ही तो हैं। तुम दूसरे के रेस्टोरेंट को बदनाम करते हो, शर्म नहीं आती तुमको? सर इनसे बात करना बेकार है, अब इनको थाने ले जाइए और अच्छे से खातिरदारी करिएगा इनकी। हाँ सर इनको थाने ले जाके मैं इनकी खातिरदारी करूंगा, चलो।